अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एना फातिमा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आई विल बी डूइंग समथिंग वेरी वेरी फन येट टायरिंग, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस हमने किया और बहुत मेहनत लगी है, मुझसे ज़्यादा मेरी मामा की मेहनत लगी है। तो ये वीडियो जो है ना, अब तक की सारी वीडियोज़ में से सबसे ज़्यादा हार्डवर्क लेने वाली वीडियो थी। इस वीडियो का आइडिया मुझे 2018 में आया था, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, और मैं तब से अपनी अम्मा को कह रही हूँ कि मेरे साथ ही वीडियो बनाएं। और क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगती थी, हम हर दफ़ा जो है इसको डिले कर देते थे, मगर ये फाइनली वीडियो आप लोगों तक आ गई है एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू प्रेजेंट इट टू यू गाइज। अब तक आप लोगों को पता तो चल ही चुका होगा ये वीडियो किस बारे में, थैंक्स टू द वीडियो टाइटल, मगर मैं फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती हूँ। आई विल बी रिक्रिएटिंग माई चाइल्डहुड पिक्चर्स। आई वांट टू टेल यू गाइज अ फन फैक्ट। इस वीडियो का आइडिया मैंने कुछ दिन पहले मारुख सेठी के साथ शेयर किया था, और मैं उसको बता रही थी कि मैं प्लान कर रही हूँ। मैंने उसको एक पिक्चर भी दिखाई जो मैंने रिक्रिएट की थी, एंड देन शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ बीन प्लानिंग दिस वीडियो एज वेल, एंड शी शोड मी अ पिक्चर दैट शी हैड ऑलरेडी रिक्रिएटेड टू। तो हम लोगों ने कहा वाह, हम दोनों का सेम आइडिया था, तो हमने कहा चलो हम साथ अपलोड कर देंगे एंड यू गाइज शुड चेक हर वीडियो आउट। हम दोनों ने साथ ही अपलोड किए हैं, तो उसकी भी जाकर देख लें। इस वीडियो को बनाने में जितना मजा आया है, आई होप आप लोगों को देखने में भी उतना ही आया। ओके, सो द पिक्चर्स दैट आई डिसाइडेड टू रिक्रिएट आर दीज, यहाँ आप लोगों के पास आ रही होंगी। ओके, तो इनमें से सबसे पहले जो मैंने रिक्रिएट की थी वो थी ये वाली। इस पिक्चर को बनाने के लिए हमें लिटरली स्टोर के अंदर छलांग मार के, कूद के, हर सूटकेस के अंदर घुस के कपड़े ढूंढने पड़े, क्योंकि ये पिक्चर एक्चुअली एक ईद की थी और इसमें हम सब ने अपने ईद के कपड़े पहने हुए थे, तो ऑब्वियसली वो थोड़े यूनिक से थे, कैजुअल कपड़े नहीं थे, तो हमें उससे सिमिलर कुछ चाहिए था। आमना के लिए हमें स्पेशली सूटकेस में से चोली, लहंगा, दुपट्टा सब कुछ निकालना पड़ा। खदीजा के पास लकीली कोई रेड कलर निकल आया, तो उसके लिए हमें इतना नहीं ढूंढना पड़ा। मेरे पास भी एक पिंक सा था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पिंक स्कार्फ पहनना पड़ा, जो कि बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया क्योंकि पिक्चर के लिए हमें करना था। और बाबा के लिए तो इजीली सफ़ेद शलवार कमीज थे, तो वो तो हो गए। सो हियर यू गाइस कैन सी द बिहाइंड द सीन्स ऑफ रिक्रिएटिंग दिस पिक्चर। ओके, हम लोग जो पहली वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर आमना विल बी वेयरिंग दिस गोल्डन चोली, और साथ उसके इसका ये मैरून सा या रेड सा दुपट्टा होगा। ये आमना का आउटफिट है, हमने प्रॉपर स्टोर खोल के निकाला है, तो बहुत मेहनत लगी है। खदीजा का ये रेड आउटफिट होगा, असल में उसने रेड चोली पहनी हुई थी और ब्लू गरारा, नहीं लहंगा, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा, ऑब्वियसली बचपन का था तो अब नहीं है। तो शी विल बी वेयरिंग समथिंग रेड विच इज़ दिस। बाबा विल बी वेयरिंग दिस वाइट शलवार कमीज़, एंड आई विल बी वेयरिंग दिस पिंक शर्ट, क्योंकि मैंने उसमें कुछ लाइट पिंक सा पहना हुआ, मेरे पास कुछ लाइट पिंक था नहीं तो मैं ये पहन लूँगी। सो वो ये हमारे कपड़े हैं फॉर द फर्स्ट पिक्चर। ओके, तो पिक्चर में नजर आ रहा है आमना ने एक हाथ में गोल्डन पहना हुआ है, एक हाथ में मल्टी कलर्ड, और आमना ने अभी भी वही किया है कि एक हाथ में गोल्डन और एक हाथ में मल्टी कलर्ड। आई मेड खदीजा वेयर दीज टू पिन्स बिकॉज पिक्चर में ऐसी ही उसने कोई ब्लू पिन्स पहनी हुई थी। द थिंग्स आई डू फॉर योर यूट्यूब चैनल, शी हेट्स देम। इस पिक्चर की रिक्रिएशन के बाद जो लुक थी वो थी ये। सो द सेकेंड पिक्चर दैट वी रिक्रिएटेड वॉज दिस। इसके अंदर खदीजा वॉज 6 months ओल्ड एंड आई वॉज 3 years ओल्ड, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसमें बस हमें मैचिंग स्कार्फ्स चाहिए थे, कपड़े भी चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। तो आई जस्ट नीडेड अ ब्लू स्कार्फ एंड खदीजा नीडेड अ ब्लैक वन विच वॉज ईजी टू गेट, और इसके भी बिहाइंड द सीन्स हमने बनाए थे, तो वो आप लोग देख लें। इस पिक्चर की रिक्रिएशन लुक लाइक दिस। सो द थर्ड वन वॉज दिस,
एज आई वॉन्टेड टू रिक्रिएट अ पिक्चर विद एन अदर सिस्टर ऑफ माइन, मैंने सोचा दोनों के साथ एक एक रिक्रिएशन हो जाए. तो ये वाली आमना के साथ थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. इसकी रिक्रिएशन में काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि हमें इसमें एक ऐसा पोज बनाना था जो हमने उस वक्त तो बचपन में ईजिली बना लिया, अब हम इतने फ्लेक्सीबल नहीं रहे तो थोड़ी मुश्किल हुई थी. और आमना लंबी हो चुकी थी तो मुझे उसके पीछे से हाथ लाने में भी मसला हो रहा था, लेकिन हमने कोशिश की और बन गया. इवन तो मेरे पास इतने सिमिलर कपड़े नहीं थे, कलर वो वाला नहीं था, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड इट डज लुक सिमिलर. दिस पिक्चर टर्न आउट टू लुक लाइक दिस. इसके बाद जो हमने पिक्चर रिक्रिएट की थी वो थी ये बाबा के साथ. इसमें मैं 2 साल की थी और ये थी 2003 की पिक्चर. इसके अंदर मसला ये था कि मेरे एक्सप्रेशंस थे यूं करके, जिनको रिक्रिएट करना बहुत वियर्ड था क्योंकि पिक्चर में मैं बहुत पागल लगी हूँ यूं करके इतनी बड़ी होकर. और ऊपर से हमने जब सारी पिक्चर वगैरह ले ली, सब हो गया, तो हमें रियलाइज हुआ कि बाबा ने तो घड़ी नहीं पहनी हुई. इवन तो पिक्चर के अंदर उन्होंने घड़ी पहनी हुई है. फिर बाबा वापस ऊपर गए घड़ी लेकर आए, तो काफ़ी इसके पीछे ना भाग दौड़ हुई थी, लेकिन इन द एंड इट वॉज वर्थ इट. तो आप लोगों को देखने बिहाइंड द सीन्स चलें. ओके, हम लोग आए हैं पिक्चर लेने, विच इज़ दिस. टेढ़ी हुए जा रही है, मगर बाबा को नीचे बैठना है और उनको उसमें मसला हो रहा है क्योंकि यहाँ उनको लग रहा है साफ नहीं है. मैंने रेड कपड़े पहने, मेरे पास इससे ज़्यादा क्लोजेस्ट कोई थे नहीं, और बाबा ने वाइट शलवार कमीज पहने, उनके पास वो स्वेटर अब है नहीं जो उसमें पहना हुआ है, मगर वाइट शलवार कमीज आर क्लोज इनफ. एक और मसला ये है कि उस पिक्चर में हमारे मुँह पर धूप पड़ रही है. इस वक्त धूप इस डायरेक्शन में नहीं है जहाँ हमने बैठना है, ऑपोजिट साइड पे है, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन बस अब हम सूरज को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, तो बस जैसा है वैसे कर लेंगे. आफ्टर ऑल दिस मेहनत रिक्रिएट होकर ऐसी लगी. इसके बाद मैंने ये रिक्रिएट की थी और इसके अंदर मैं 1.5 साल की थी, और इसके अंदर जिस टोकरी में मैं बैठी हुई हूँ ये अभी तक हमारे पास है. मामा से मैंने स्टोर में से निकलवाई थी, और जब मैं इसके ऊपर बैठी तो मुझे लग रहा था ये टूट जाएगी, लेकिन नहीं टूटी. बट इसके ऊपर जब मैं बैठ गई थी तो टोकरी कवर हो गई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या करूं. ऊपर से पिक्चर के अंदर मैंने टांगें रखी हुई टोकरी के ऊपर, जो कि इस दफ़ा पॉसिबल नहीं था, तो मैंने बस टांगें नीचे ही रख ली. और जितना क्लोजेस्ट हो सका हमने किया, ये इतनी परफेक्ट रिक्रिएट नहीं हुई, लेकिन हमने मैक्सिमम जितना कर सकते थे सब किया. मतलब बाल इसमें मेरे ब्लैक थे तो मैंने ब्लैक स्कार्फ पहन लिया, ऊपर सर पे मैंने एक पिंक कलर का दुपट्टा पहना हुआ था वो भी मैंने पहन लिया था. तो सारी हमने कोशिश तो की, उसके बाद जो हुआ वो आप लोग देखें. ओके, तो पिक्चर के अंदर आई एम वेयरिंग समथिंग पीच, एंड द ओनली पीच आउटफिट दैट आई हैव इज दिस. तो हम ये पीच पहनेंगे. तो पिक्चर के अंदर जो ये टोकरी है ना, ये मेरे बचपन की थी और ये अभी तक हमारे पास है. ये स्टोर में थी, मामा से मैंने निकलवाई है. अब इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन जैसी भी है इसको हम यूज़ करेंगे रिक्रिएशन में. इस पिक्चर की रिक्रिएशन टर्न्ड आउट लाइक दिस. देन वी रिक्रिएटेड अ पिक्चर दैट वॉज टेकन नॉट सो लॉन्ग अगो. मैं 7-8 साल की थी और खदीजा थी 3-4 साल की. हम लोग गए थे राना रिजॉर्ट, वहाँ पर एक हैंडपम्प था, हमने उसके साथ पिक्चर खिंचवाई थी. हम दोनों उसको नीचे की तरफ करने की कोशिश कर रहे थे और हमसे नहीं हो रहा था क्योंकि राना रिजॉर्ट हमारे घर से 2 घंटे दूर है और लॉकडाउन भी है, तो हम नहीं जा सकते थे वहाँ पिक्चर स्पेशली रिक्रिएट करने. तो हमारे घर से कोई 45 to 50 minutes दूर BRB नहर है, वहाँ पर एक हैंडपम्प है. हम लोग बाबा को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके मास्क वगैरह पहन के स्पेशली वहाँ गए ताकि हम ये पिक्चर रिक्रिएट कर सकें. और उसके बिहाइंड द सीन्स आर ओवर हियर. और हम लोग आ गए, खदीजा को यही पर्पल ड्रेस मिला था, इसके अलावा मेरे पास कुछ था नहीं. जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे रोना आ रहा है. आई एम वेयरिंग समथिंग येलो. हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, अब उसके बाद जो रिक्रिएशन हुई है वो ऐसी लग रही है. उसके बाद मैंने पिक्चर ये वाली रिक्रिएट की थी, एंड दिस पिक्चर होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू मी. मेरे दादा को ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, लाइक शुरू से हमारे घर में बहुत ग्रीनरी वगैरह दादा की वजह से है. तो मैं जब छोटी थी मैं इनको देखा करती थी प्लांटिंग प्लांट्स और इस तरह के काम करते हुए, तो शायद मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई और मैंने भी जाकर गमला मेजर करना शुरू कर दिया. और फॉर्चुनेटली इनफ इसके अंदर जो मैंने मेजरिंग टेप पकड़ी हुई ये भी मेरे दादा की, और ये अभी तक हमारे पास थी. तो मैंने कहा ओ माई गॉड गुड इनफ, मैं इसको भी रिक्रिएट करती हूँ. सो दैट इज़ वॉट आई डिड, एंड देखें.
turned out to look like this. Last but not the least, I recreated this picture. इसके अंदर मैं साइडबोर्ड के अंदर बैठी हुई हूँ. हमारी शिफ्टिंग हो रही थी तो इससे साइडबोर्ड की कैबिनेट खाली थी और मैं अंदर जाके बैठ गई और मेरी किसी ने पिक्चर ली थी. तो मैंने कहा इसको भी रिक्रिएट करते हैं. अच्छी बात ये थी कि हमारे पास ये साइडबोर्ड अभी तक था तो मैंने कहा चलो. इवन तो मुझे पता था मैं इसके अंदर पूरी नहीं आऊँगी बट आई डिड ट्राई टू फिट इन इट. मामा ने स्पेशली वो कैबिनेट भी खाली की. हमने पिक्चर की डिटेल्स देख देख कर नीचे जूते प्लेस किए, उसी ऑर्डर में किए, एक हील रखी, दो जूतों को यूं करके रखा, सब कुछ जैसे पिक्चर में था वैसे किया. आई वोर येलो क्लोथ्स. तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग देखें. अब आपने देख ही लिया इस पिक्चर में कितनी मेहनत लगी है. इसका रिजल्ट था ये. अब ये तो वो सारी पिक्चर्स हैं जो मैंने स्पेशली इस वक्त इस व्लॉग के लिए बिहाइंड द सीन्स समेत रिकॉर्ड किए थे. कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो मैंने रिक्रिएट की थी लेकिन उनके बिहाइंड द सीन्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि या तो उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था या उस वक्त मुझे याद नहीं रहा या उस वक्त पॉसिबल नहीं था. लॉकडाउन और ये क्वारंटीन वगैरह से कुछ दिन ही पहले हम सब फ्रेंड्स ना लाहौर ज़ू गए थे तो वहाँ पर मुझे याद है कि मेरी एक पिक्चर थी बचपन की. लाइक आई वॉज 7-8 ईयर्स ओल्ड. हम लोग लाहौर ज़ू गए थे और मैंने ना लायन के केज के बाहर पिक्चर खिंचवाई थी. तो मैंने कहा मैं उसको रिक्रिएट कर लेती हूँ. उस तक टाइम नहीं था बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड करने का लेकिन मैंने पिक्चर खिंचवा ली तो उसकी रिक्रिएशन भी आप लोग देख सकते हैं. एक पिक्चर मेरे बचपन की थी जिसके अंदर मैंने ब्लैक शलवार कमीज पहने हुए और हाथ में मैंने रियो बिस्किट पकड़ा हुआ है और वो काफ़ी ऊपर से मामा ने मेरी तस्वीर खींची थी. वो पिक्चर मैंने रिक्रिएट की थी और उसको रिक्रिएट करने में काफ़ी मज़ा आया था लेकिन काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि उसमें मैंने मेरा पाँव भी नज़र आ रहा है ऊपर से एक एंगल से है, हाथ में मैंने बिस्किट एक तरह से पकड़ा हुआ है. उसको भी हमने रिक्रिएट किया था और वो भी आप लोग देख सकते हैं. मेरे हिसाब से सबसे एक्यूरेट जो थी वो ये दो थी. अब आप लोग जो हैं बेहतर जज हैं. मुझे बताएं आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सी लगी, सबसे अच्छी कौन सी लगी, सबसे अच्छे बिहाइंड द सीन्स किसके लगे और सबसे अच्छी रिक्रिएशन किसकी लगी. नाउ आई एम गोइंग टू एंटरटेन यू गाइस विद सम ब्लूपर्स. तो चल के देखें. आप करियो कि मेरी स्माइल. ओ ग्रेट. हमारे पास मेजरिंग टेक. वाओ हमारे मैं नजर तक तो आने की. हमारे पास मेजरिंग टेक टेक. मैंने बाबा के साथ एक पिक्चर रिक्रिएट की व्हिच वाज वाओ. ये सारी छुप गई है मैं नजर कैसे आएगी टोकरी जब मैं ऊपर पूरी आ गई. If you guys liked my video, don't forget to give it a big thumbs up. Comment down below, hit the bell icon, subscribe करें, अपने friends के साथ share करें और अपना ख्याल रखें. Corona से बहुत बहुत दूर रहें. मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे और I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.